हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फेसबुक अकाउंट को टोटली सिक्योर कैसे करें, ताकि अगर किसी को आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता भी हो जाए तो भी वह उसमें लॉगिन ना कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है टू स्टेप वेरीफिकेशन। तो टू स्टेप वेरीफिकेशन सेटिंग एक सिक्योरिटी लेयर होती है जिसको इनेबल करने से यह आपके किसी भी अकाउंट या एप्लीकेशन में किसी भी थर्ड पार्टी को लॉगिन करने से प्रोटेक्ट करती है। टू स्टेप वेरीफिकेशन आपके मोबाइल नंबर से यूज़ होता है, यानी कि टू स्टेप वेरीफिकेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जब कभी भी आप बाहर से लॉगिन करते हैं या फिर किसी दूसरे नेटवर्क या किसी दूसरे सिस्टम से लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और जब तक आप उस OTP को लॉगिन के टाइम एंटर नहीं करते हैं, तब तक आप या कोई भी आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी अकाउंट, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, इन सभी को टू स्टेप वेरीफिकेशन की मदद से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो इस कमाल की सेटिंग को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर जाना है। अपने फेसबुक पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में 3 लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर टैप करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली यूज 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेज। ऑथेंटिकेशन ऐप का मतलब है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई ऐप से कोड जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से आप कोई दूसरा भी मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पहले से मोबाइल नंबर ऐड है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंटर द 6-डिजिट कोड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली मेरा OTP अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर OTP आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर OTP को एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कोड आ गया है 281278, तो मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। और OTP एंटर करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड देना है, तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि वी सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू दिस नंबर इफ़ वी नोटिस एन अनअटेम्प्टेड लॉगिन फ्रॉम अ डिवाइस और ब्राउजर वी डोंट रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस से आपका यह अकाउंट लॉगिन होता है, तो वह आपके इस नंबर पर एक OTP सेंड करेंगे, और जब तक OTP एंटर नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट पर कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से डन कर दीजिए और यहाँ से आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से सिंपली टर्न ऑफ पर क्लिक कर इसको ऑफ भी कर सकते हैं।
वेल गाइज, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई नॉलेज आपको सही लगी हो, देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ नॉलेजबल वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज फर्स्ट। वेल गाइज, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।